नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट लोको पायलट मनोज कुमार नॉर्दर्न रेलवे में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में बताऊंगा कि उसके क्या क्या कार्य होते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट का मुख्य कार्य गाड़ी चलाते समय लोको पायलट की सहायता करना होता है। असिस्टेंट लोको पायलट का जो भी कार्य होता है उसे हम पूरा करते हैं। मैं अपनी जॉब को बहुत पसंद करता हूँ। असिस्टेंट लोको पायलट का जो भी कार्य होता है, जैसे कि इंजन चेक करना, चार्ज लेते हुए गाड़ी चलाते हुए सिग्नल को देख के लोको पायलट को कॉल आउट करना, दिन रात हम अपनी जॉब को बखूबी निभाते हैं और रेल की सेवा करते हैं। सहायक लोको पायलट का कार्य गाड़ी चलाते समय लोको पायलट को सहायता प्रदान करना होता है और सिग्नल का आदान प्रदान करना होता है। गाड़ी चलाते समय सहायक लोको पायलट सिग्नल को देखता है और उसका एस्पेक्ट लोको पायलट को बताता है कि कैसा सिग्नल। लाल सिग्नल मिलने पर अगर लोको पायलट गाड़ी खड़ी ना करे तो सहायक लोको पायलट इमरजेंसी लगा के गाड़ी को खड़ी करता है। जब हम लोगों का चार्ज लेते हैं तो सहायक लोको पायलट इंजन को भली भांति एक एक पार्ट को चेक करता है कि कहीं कोई अनसेफ वर्किंग ना हो। लोगों को अच्छे से हम चेक करते हैं ताकि गाड़ी में कोई हैंगिंग पार्ट ना हो, कोई अन्य कोई एबनॉर्मलिटी ना हो, कपलिंग वगैरह ठीक हो और भी कोई तेल ऑयल कुछ कम ना हो। ट्रेन चलाने के जो भी नियम हैं उन नियमों की जानकारी होना सहायक लोको पायलट के लिए अत्यंत अनिवार्य। इन नियमों की जानकारी के लिए सहायक लोको पायलट को 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। जब वह ट्रेनिंग को भली भांति पास कर लेता है उसके बाद ही सहायक लोको पायलट को गाड़ी चलाने के लिए भेजा जाता है। यह ट्रेनिंग पास करना सहायक लोको पायलट के लिए अत्यंत अनिवार्य होता है। जब तक सहायक लोको पायलट यह ट्रेनिंग पास नहीं कर लेता है उसे गाड़ी चलाने के लिए भेजा नहीं जाता है। यह पास करना अत्यंत अनिवार्य होता है। जब सहायक लोको पायलट ट्रेनिंग पास कर लेता है तभी उसे गाड़ी कार्य करने के लिए भेजा जाता है। मैं अपने कार्य को बहुत पसंद करता हूँ। मुझे अपनी नौकरी पर बहुत गर्व है। जो भी लोग असिस्टेंट लोको पायलट की नौकरी में आना चाहते हैं उन सभी का स्वागत है। आइए और आके देश की सेवा कीजिए। इसी के साथ सभी का धन्यवाद।